हाँ जी, खान जी, इस बार जो पूजा होने जा रही है, अब यात्रा तो मैं से नहीं कह सकती क्योंकि दोनों लोग ये कह रहे हैं, सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है और विनोद बंसल जी भी ये कह रहे हैं कि सरकार का सम्मान है, हमें शांति बनाए रखनी है और इसीलिए हम लोग अपने धर्म का पालन करते हुए जो यात्रा अधूरी रह गई थी वो कल पूरी हम करेंगे। सावन का आखिरी सोमवार है, हम जाएंगे शिवालयों में और पूजा करेंगे। क्या इस बार जो पिछली बार समर्थन मिलना चाहिए था, जो पिछली बार कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, क्या इस बार मुस्लिम समाज की तरफ से वो होगा? देखिए मैं ये कहूंगा, पत्थरबाजी तो नहीं होगी दोबारा से? मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में हमेशा से यात्राएं और ये अभिषेक और पूजा होती रही है। हम ये कहेंगे कि हरियाणा नू के मुसलमानों को जो वहाँ पूजा करने आ रहे हैं, वो अपने मंदिर में आ रहे हैं, उनके शांतिपूर्ण तरीके से आने का उनका वेलकम करना चाहिए, उन्हें फूलों और मालाओं से उनके ऊपर डालना चाहिए। ये हमारा मुल्क देश एकता में अनेकता का देश है। यहाँ 8 मजाहिब के लोग अपने अपने मजहब के एतबार से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन विनोद बंसल जी और बीजेपी के प्रवक्ता ना सरकार की मानना चाहते हैं, ना हिंदुस्तान के संविधान में आस्था रखते, ये संविधान विरोधी बातें करती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि टकराव का रास्ता नहीं इख्तियार, सरकार कह रही है कि हम इजाज़त नहीं देंगे, धारा 144 रही है, तो हमें अब संविधान को भी मानना है और अपनी पूजा पाठ भी करना है। अगर हम वहाँ के लोग जो उस इलाके के हैं वो पूजा पाठ करने आ रहे हैं तो उसमें किसी मुसलमान हिंदू किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आस्था की चीज है। कोई अपने मंदिर में पूजा करता है, कोई नमाज क्या हो गया? एक सेकंड, संविधान विरोधी क्या है इसमें? संविधान विरोधी अगर धारा 124 के खिलाफ कर रहे हैं तो संविधान विरोधी। अगर संविधान विरोधी हुआ कि कल्याण सिंह जो है कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हम मस्जिद की बात करते हैं, टूट जाती है देश में, ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। ये विश्व हिंदू परिषद तो लोग से प्रवक्ता बैठे हैं विनोद बंसल जी। बहुत देर मैंने क्यों लगाई विनोद बंसल जी से बात करने में, क्योंकि मैं ये जानना चाह रही थी कि सरकार के साथ हैं ये लोग, सरकार के खिलाफ हैं, यात्रा निकल रही है या नहीं निकल रही है। सीधा सीधा कह रहे हैं ना कि धारा 144 का सम्मान करते हुए यात्रा निकालेंगे, इसमें क्या संविधान विरोधी है? नहीं, ये तो सरकार तय करेगी, संविधान विरोधी कर रही है। आपने शब्द का इस्तेमाल किया ना, हमेशा आज नहीं, इनका इतिहास है, इनके तथ्य इनके पास पर, एक दुनिया में कभी कोई मंदिर नहीं टूटा गया इस सदी में, इन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, इसके जिम्मेदार है। ये वो जमात है जिसने 450 लोग इकट्ठे कर 4.5 लाख इकट्ठे करके तोड़ दिए, ये संविधान की कहां से दिखाई देंगे? हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी BSP हिंदुस्तान में संविधान विरोधी है, ये कह रहे हैं, सरकार उसका विरोध कर रही है। और इसमें संविधान विरोधी क्या है फिर हाजी खान जी? आप इतिहास की घटनाओं को लेकर घटना इतिहास भी याद किया जाएगा। ये चले गए कश्मीर, कठुआ चले गए, नू में क्या हुआ था? नू में क्या हुआ था सर? कठुआ गए हैं तो कठुआ में कल की ही घटना है। अरे ये भी हिंदुस्तान में भी 20 साल पहले की घटना है, ये 20 साल पहले की घटना है। बच्चे को कैसे मारा गया है? इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई। क्या संविधान की धज्जियां उड़ रही है ये बताइए ना, आज की घटना पर बताइए। पिछली बार क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बात प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे हैं कि हमारी सरकार, आप कह रही है कि सरकार में पाबंदी लगा दी है कि किसी यात्रा को नहीं निकलने। पूजा के मैंने कब विरोध किया? अगर यात्रा निकालते हैं, वहां हरदम करते हैं, तो यही तो बात यहां पर क्लियर की जा रही है ना सर, जो कंफ्यूजन थी वही तो दूर करवाया। आप नहीं, कह रहे हैं कि संविधान का दूर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हिंदुओं की, ये तो हिंदुओं की पीठ के पीछे जा रहे हैं, हिंदू परिषद के पास कार्यकर्ता नहीं है, ये हिंदू समाज के पीछे जाकर धर्म का पालन करना क्या संविधान विरोधी हो जाएगा इस देश में? ये मैंने ये कहा कि अगर सरकार की धारा 144 का मकसद क्या है बताइए, देश के धारा 144 का उल्लंघन हुआ, संविधान की अवहेलना नहीं होगी? जल्दी से समझा दीजिए, क्या लॉजिक क्या है धारा 144 लगाने का, जब आपको पता है दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं तो धारा 144 पर क्यों लगा रहे हैं आप लोग? चलिए मैं वीरेंद्र जी के पास लौटूंगी, संपर्क उनसे जरा टूटा है। हाँ, जवाब दीजिए। ठीक है सर, आप जवाब दीजिए। विनोद बंसल जी, प्राची मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये आपके जो पैनलिस्ट हैं, ये ना घुमा फिरा के सब कुछ बोला, लेकिन ने एक बार ये नहीं बोला कि आखिरकार जो नूह के पहली यात्रा का जो पत्थरबाज थे, जो गुंडई करने वाले लोग थे, जो हमलावर आतंकी थे, उनको इस्लाम से इन्होंने खारिज कर दिया क्या? आपने कर दिया जो मंदिर से गोली चला रहे थे, आपने कर दिया उन्हें खारिज, हिंदुओं से खारिज कर दिया जो मंदिर में से गोली चला रहे थे, अशोक बाबा जो चला रहा था गोली आपने कर दिया, बिट्टू बजरंग जी को कर दिया आपने। आप कैसी बात कहते हो, कौन किसी को निकाल सकता है धर्म से? सरकार की जिम्मेदारी होती है जो क्राइम करे, बंसल जी करे या मैं करूँ, उसके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बंसल जी के खिलाफ हो रही नहीं, मेरे खिलाफ हो रही है, वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। कितने मकान तोड़ दिए गए और कितने हिंदुओं के तोड़ दिए गए, ये बताइए देश को। मुंह में से जब एक शब्द नहीं निकलता,
जब जिहादी हमलावर कर दे, अरे हमलावर हम कह रहे हैं मुसलमान ने क्या उसको उसका पनिशमेंट मिल जाए, जितने हिंदू थे उनके घर क्यों नहीं टूटे गए, हिंदुओं का जेनोसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी चलिए ठीक है, आपने जो मुझे बात क्लियर की उससे मुझे इतना समझ में आया कि यात्रा बड़ी यात्रा नहीं निकल रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर धारा 144 का मतलब क्या है? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्वाइन करेंगे, उनसे इस सवाल मैं जरूर लूंगी, लेकिन सुजाता पॉल जी, नूह में जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार यहां बैठकर आश्वस्त करवा रही है, प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि पूरी पूरी हमारी नजर है पूरे इलाके पर और हम यात्रा नहीं होने देंगे बड़े स्वरूप पर, लेकिन कोई पूजा करे ये भी तो नहीं रोका जा सकता। बाबा केदार की धरती से इसलिए मैं घर और आस्था में विश्वास रखने वालों को यही कहूंगी कि इस वक्त शिव जी का अपमान कोई ना करे, उनके नाम पर किसी का भी अपमान ना करे, क्योंकि ये सभी सनातनियों का अपमान हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो पूजा अर्चना है उसमें रोकना एक मुश्किल चीज है, क्योंकि ये आस्था की बात है, लेकिन अगर 144 लगी है और बंसल जी से मैं जानना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं उसका अनुपालन किया जाएगा और दूसरी तरफ शासन प्रशासन ये कह रहा है कि हम बड़े स्वरूप में इस यात्रा को नहीं निकलने देंगे, तो इस कंफ्यूजन को यही क्लियर कर सकते हैं ना कि आखिर 144 का क्या मतलब है कि 4 से कम लोग, तो ये कैसी यात्रा होगी जिसमें 3 लोग जाएंगे या इससे ज्यादा लोगों को आप सीमित संख्या बता रहे हैं। और ये विषय जो है ये खास करके भाजपा प्रवक्ता के लिए है, क्योंकि सरकार उनकी है और सरकार ये जो स्थिति क्रिएट कर रही है पूरी कंफ्यूजन की, आखिर क्या है? अगर आपने लोगों को सीमित संख्या में भी ले जाना है तो इसकी व्यवस्था भी आप ही को करनी चाहिए थी, फिर आप ये नहीं कह सकते कि 144 लगी हुई है। इसका मतलब है कि भ्रम जाल फैला रहे हैं। मगर ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में तो आप सभी का विश्वास है ना, और अगर इस पुस्तक में सबका विश्वास है तो पेज नंबर 181 में जो लिखा हुआ है उसमें भी स्थिति साफ कर दीजिए आप, क्योंकि देखिए सर संचालक जी ने 2018 में ये कहा था कि इस पुस्तक में से बहुत कुछ हम विश्वास नहीं करते, बहुत कुछ हम विश्वास करते हैं। तो आज जो नू की घटना है, नू के बारे में इसमें जिक्र किया गया और मैं बड़े सम्मान पूर्वक ये बात बोल रही हूँ, पता नहीं चौहान जी इतना एजिटेट क्यों हो रहे हैं, बंसल जी से ही सवाल पूछ ले रही हूँ कि आखिर सरकार क्या करना चाह रही है, जब आप खुद ही ये कह रहे हैं कि हम सीमित संख्या में ले जाएंगे, तो क्या ये जरूरी नहीं कि आप सामंजस्य से बैठाएं और ये बताएं कि आपका क्या प्लान है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।